हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हुंडई की i20 स्पोर्ट्स है, 2010 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। आज मैं इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ। डैशबोर्ड क्यों खोलने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका हीटर कॉइल के लिए, हीटर चल नहीं रहा है। हीटर हाई पे करने के बाद एक ही साइड से हीटिंग टेम्परेचर आता है, यानी दो वेंट में, यहाँ से ये वाली वेंट में और ये वाली वेंट में आ रहा है, बाकी ये दोनों में वेंट में आ नहीं रहा है। इस वजह से इसका डैशबोर्ड खोल के हम हीटर कॉइल रिप्लेस करने वाले हैं। तो आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ये सब चीज़ प्रॉब्लम सिर्फ आपको दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो चलो फिर मैं डैशबोर्ड खोलने के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलो फिर स्टार्टिंग प्रोसेस में लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले बैटरी की वायर निकाल देता हूँ मैं। बैटरी की वायर निकालने के बाद फिर आगे आपको दिखाता हूँ। फाइनली बैटरी की वायर निकाल दिया हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे को कंसोल बॉक्स का सेटअप खोलना पड़ेगा। बाकी कैसे खोलता हूँ ये डैशबोर्ड, तो आपको इसका, ये गाड़ी का सेम मॉडल अलग है, सिर्फ ये गाड़ी का पीछे वीडियो बनाया हूँ, यूट्यूब में डाला हुआ है, वहाँ जाकर के देख सकते हैं आप। 2013 का, 2014 का, i20, 15 का जो भी मॉडल है, ये इस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा ऑलरेडी, तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलो फिर मैं सबसे पहले कंसोल बॉक्स खोलता हूँ। कंसोल बॉक्स खोलने के बाद आगे फिर आपको दिखाता हूँ। कंसोल बॉक्स खोलने से पहले सबसे पहले ये वाला खोलना पड़ेगा आपको। जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें दो सॉकेट रहेगी, ये दोनों सॉकेट निकाल दिया हूँ और इसको पीछे मैं होल्ड कर देता हूँ। उसके बाद एक स्क्रू इधर, एक स्क्रू इधर रहेगा और साइड में रहेगा, देख पा रहे हैं स्क्रू, दोनों दो साइड दो बाजू रहेगा। फिर बाकी ये मैं निकालता हूँ, निकालने के बाद इधर भी स्क्रू रहेगा साइड में। तो ये सब खोलता हूँ, खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। ताकि देख पा रहे सब स्क्रू खोल दिया हूँ और यहाँ 10 नंबर रहता है अंदर, ये 10 नंबर खोलना पड़ेगा आपको। 10 नंबर बोल्ट रहेगा और ये इजीली अपना बाहर आ जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं ऊपर आ चुका, हैंड ब्रेक थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। देख पा रहे हैं ये निकल चुका, अब अपने को ये वाला डक्ट खोलना पड़ेगा। जैसा कि देख पा रहे हैं ये वाला डक्ट खोल देंगे और फिर आगे दिखाता हूँ आपको खोल के। जैसा कि देख पा रहे हैं ये वाला डक्ट फिर खोल दिया हूँ और ये जो सॉकेट वायर दिख रही है एयरबैग की, एयरबैग सॉकेट की मॉड्यूल की, ये वाली खोलना पड़ेगा ताकि कम्फर्टेबल काम करने में अपने को कम्फर्टेबल मिले। तो चलो फिर मैं इसको भी खोल देता हूँ, क्लिप रहेगी तो ये सब निकाल के अलग कर देता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ का 10 नंबर खोलना पड़ेगा दो, फिर बाकी आगे खोल के फिर दिखाता हूँ। और जैसा कि देख पा रहे गियर बॉक्स को खोल के मैंने, 4 12 नंबर रहता है, खोल के पलटी मार दिया हूँ इधर ताकि अपने को जगह कम्फर्टेबल मिले। और उसके बाद ये सॉकेट तो निकाल दिया हूँ और एक अर्थिंग रहता है इसमें जो कि ये वाली 10 नंबर रहता है, ये सब भी निकाल दिया हूँ। यहाँ का दोनों खोल दिया हूँ और यहाँ का जो है पैनल मैं खोल दिया हूँ। और अपने को खोलना क्या है, इधर का सॉकेट वगैरह खोल के फिर मैं आगे दिखाऊंगा। और सबसे पहले ये वाली पैनल का जो देख लीजिए, यहाँ 10 नंबर रहता है, उस साइड भी सेम प्रोसेस है। तो चलो फिर मैं ये सब बाकी फाइनली डैशबोर्ड अंदर से जो भी खोलने का है सब खोलता हूँ, फिर खोलने के बाद फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो चलो फिर खोलने लग जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली मैं डैशबोर्ड खोलने के लिए जो कुछ भी खोलना पड़ता है अंदर से, मैं सब फाइनली खोल दिया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये सॉकेट के बारे में बता दे रहा हूँ। इतना सारा सॉकेट खोलना पड़ा मेरे को फ्यूज बॉक्स में से। और उसके बाद स्टेयरिंग कॉलम जो देख रहे हैं, यहाँ 12 नंबर रहता है और ये वाला 12 नंबर ऊपर वाला लूज़ कर देंगे तो ये स्टेयरिंग ऊपर आ जाएगा। यहाँ का 10 नंबर खोला हूँ और ये पावर स्टेयरिंग का सॉकेट भी खोला हूँ। उसके बाद 4 10 नंबर यहाँ का है, यहाँ का खोल दिया हूँ। उसके बाद इस साइड आपको दिखा दे रहा हूँ, कंसोल बॉक्स खोल दिया हूँ मैं पूरा। और उसके बाद ये रही, यहाँ एक 10 नंबर दिया हुआ रहता है कंट्रोल यूनिट के सपोर्ट के लिए। उसके बाद ये वाली सॉकेट खोलना पड़ेगा। ये सॉकेट खोलने के बाद ये जो साइड में देख रहे हैं आप, साइड में 2 10 नंबर खोलना पड़ेगा ये वाली। बाकी ये सब पैनल भी तो आप आसानी से खोल ही लेंगे। उसके बाद ऑक्स का सॉकेट एक यहाँ है, ये वाला पैनल भी खोल दिया हूँ। बाकी मेरा डैशबोर्ड फाइनली सब खुल चुका, अंदर का जो जो भी खोलना था मेरे को सब मैंने बता भी दिया हूँ। तो चलो फिर मैं आपको बाहर लेके जाता हूँ, बाहर क्या क्या खोलना पड़ेगा मेरे को। तो चलो फिर बाहर चलते हैं। तो बाहर से मेरे को जैसा कि देख पा रहे कॉल पैनल खोल के नीचे ले लिया हूँ। और कॉल पैनल खोलने के बाद देखेंगे तो 12 नंबर रहेगा,
ये खोलना पड़ेगा। उसके बाद अपने को एक्सपेंशन वाल्व 210 नंबर रहेगा, ये निकल गया है जी। और उसके बाद हीटर का पाइप दोनों लॉक निकालने के बाद ये थोड़ा सबसे पहले पाइप को घुमा देना, घुमा के ही निकलेगा ये, क्योंकि ये बहुत पकड़ा हुआ रहता है ना, इसकी वजह से घुमा के निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। फिर भी काफ़ी टाइट रहता है और काफ़ी ताकत भी लगती है, इसको घुमा के ही निकलता है ये, घुमाएंगे फिर निकलेगा ये। जैसा कि काफ़ी टाइट से खींच रहा हूँ मैं, निकल नहीं रहा है, निकल जाएगा जैसा कि देख पा रहे हैं, निकल गया। आप दूसरा वाला नीचे वाला निकाल रहा हूँ, ताकत लगाना पड़ता है काफी। ये भी निकल गया, तो अब फाइनली मेरा बाहर से भी सब खुल गया, अब मेरा डैशबोर्ड इजीली बाहर आ जाएगा, तो चलो अंदर चलते हैं फिर। तो फाइनली बाहर और अंदर दोनों साइड का मेरा खुल चुका है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब मेरे को डैशबोर्ड पलटी मारना है। और एक बात बताना भूल गया, स्टीयरिंग का जो नीचे से कॉलम जो खोलेंगे ना आप वो रॉड, तो सबसे पहले स्टीयरिंग लॉक कर देना, उसके बाद ही खोलना, क्योंकि आप तुम तो ये एयरबैग खोलेंगे नहीं, तो इससे थोड़ा भी इधर उधर क्रॉस अगर हो जाएगा स्टीयरिंग, तो एयरबैग का जो ये रहता है, रिंग रहता है, वो टूट सकता है। इसकी वजह से इसको लॉक करके ही खोले, और जिस पोजीशन में खोलेंगे उस पोजीशन में ही लगाना। तो चलो फिर फाइनली मैं इसको अब पलटी मारता हूँ, पलटी मार के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, फाइनली डैशबोर्ड खुल चुकी है अपना, और ये रही हीटर कॉइल, तो इसमें दो स्क्रू लगा रहेगा, ये दो स्क्रू खोलता हूँ, खोल के फिर मैं निकालता हूँ, और खोलने के बाद फिर नया वाला हीटर कॉइल भी आपको दिखा देता हूँ। तो चलो फिर खोलता हूँ इसको मैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, नया वाला हीटर कॉइल ये है, तो थैली में फोड़ता हूँ, पहले फोड़ता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ये रही नया हीटर कॉइल, ये आपको 2200 से 2500 के बीच मिल जाएगा। जूना वाला मैं निकाल लेता हूँ, जूना वाला निकालने के लिए ये जो लेग मोड के पास जो हवा आती है उसको थोड़ा बैंड करना पड़ेगा आपको, बैंड करके ही निकालना पड़ेगा, लॉक में से निकल गया। तो चलो फिर मैं इसको निकालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, फाइनली मैं निकाल चुका हूँ, ये रही जूनी वाली, ये देख पा रहे हैं ये जाम हो चुका है। मतलब जाम क्यों होता है, इधर से पानी डालेंगे तो प्रेशर से इधर से निकलेगा, लेकिन बट ये अंदर जो फिंस रहती है ना, ये लाइनिंग जो रहती है ना, ये धीरे धीरे ये वाला ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो जाता है, धीरे धीरे एक एक करके ब्लॉक होने लगता है, तो इस वजह से एक साइड हीटिंग टेम्परेचर आता है और एक साइड नहीं आता है। तो ये नया वाला है, तो चलो नया वाला मैं फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। फाइनली जैसा कि देख पा रहे हैं, फिट हो चुका अपना नया वाला हीटर कॉइल, जैसा कि देख पा रहे हैं फिट हो चुका, जूनी वाली इधर रही। तो चलो फाइनली मैं डैशबोर्ड को डालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगा। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, डैशबोर्ड डाल दिया हूँ, देख पा रहे हैं आप, डैशबोर्ड डाल चुका हूँ। तो चलो फिर मैं इसको फिटिंग करता हूँ धीरे धीरे, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, फाइनली काफ़ी हद तक डैशबोर्ड हमने फिट कर चुका है, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये सॉकेट वगैरह सब लग चुकी है, देख पा रहे हैं। तो इसको फिटिंग करने जा रहा हूँ, बाकी साइड का सब लग गया है। तो चलो फिर फाइनली मैं फिटिंग करता हूँ, कंसोल बॉक्स वगैरह सेटअप सब बैठा करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, अंदर का सब फिट हो चुका अपना, जो जो कुछ भी खोला गया था सब फिट हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सब कुछ फिट हो चुका है, सिर्फ बाहर का फिटिंग करना बाकी है अपने को। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, अंदर का सब फिट हो चुका है, सभी कुछ फिट हो चुका है। तो चलो फिर मैं आपको बाहर लेके जाता हूँ, बाहर का भी दिखा देता हूँ फिटिंग करना क्या बाकी है, अभी जो जो खोला था वो फिटिंग करके फिर दिखा देता हूँ आपको। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, सब फिटिंग करना बाकी है अपने को, तो सब फिटिंग करता हूँ प्रॉपर, फिटिंग करके फिर एक बार आपको दिखा दूंगा। तो चलो फिटिंग करने लग जाता हूँ। तो फाइनली सब फिट हो चुका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सब फिट कर चुका हूँ, प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका। तो चलो फाइनली इसको मैं गैस चार्जिंग वगैरह करके फिर आगे आपको दिखाऊंगा, कूलिंग टेम्परेचर वगैरह, गैस चार्जिंग का प्रोसेस नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली सब फिट हो चुका है,
वाइपर वगैरह सब फिट कर दिया हूँ। कूलेंट का दोनों पाइप जो सर्कुलेशन होता है अंदर से एक्सटेंशन वाल्व, और मैंने वैक्यूम में भी लगा चुका हूँ। क्योंकि गैस चार्जिंग का प्रोसेस तो नहीं बताऊँगा क्योंकि अगले वीडियो में बना चुका हूँ। तो चलो फिर आगे गैस चार्जिंग वगैरह करके फिर अंदर गाड़ी के अंदर कूलिंग टेम्परेचर वगैरह दिखाता हूँ आपको। तो चलो फिर मिलते हैं। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे फाइनली सब कुछ फिट हो गया, बाहर भी फिट हो गया, अंदर भी जो भी खोला गया था सब फिट हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी प्रॉपर तरीके से पूरा फिट हो चुका है। तो अब मैं इसका गाड़ी, जैसा कि देख पा रहे हैं गाड़ी चालू है और एसी चालू रखा हूँ। जैसा कि देख पा रहे कंट्रोल पैनल में एसी ऑन है और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 5.6 पे 5.4 पे आ चुका है, यानी कूलिंग प्रॉपर हो रहा है। ये रही मोड बटन, मोड बटन तो प्रॉपर चल रहा है, डिस्प्ले में शो कर रहा है, यानी सब चल रहा है बराबर। तो चलो फिर मैं इसका हीटर हाई कर रहा हूँ और हीटिंग टेम्परेचर देखते हैं, जो कि मैंने इसका हीटर कॉइल ही चेंज किया हीटिंग के लिए। तो देखते हैं हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या नहीं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, देख पा रहे हैं एसी चालू है, एसी चालू में भी हीटिंग टेम्परेचर आना ही चाहिए आपका। अगर एसी चालू में हीटिंग टेम्परेचर नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए आपका हीटर कॉइल में कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है, इसके वजह से नहीं आ रहा है। या हीटर कॉइल भी हो सकता है या फिर कूलेंट का अंदर डैशबोर्ड में सर्कुलेशन जो करवाया जाता है वो नहीं हो पा रहा है इसकी वजह से। तो जैसा कि देख पा रहे 41 अभी भी 42 हो गया, 43 बढ़ रहा है, अभी भी 45 पे आ चुका, 47 पे, 48 नहीं बढ़ रहा है, लगभग 60-70 तक जाएगा हीटिंग टेम्परेचर। और हीटर कॉइल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जूनी वाली जो हीटर कॉइल है जैसा कि देख पा रहे हैं, ये एक साइड से ना यहाँ से तो इंटर से पानी जाता है, यानी कूलेंट का सर्कुलेशन होगा आपका, एक साइड से जाएगा एक साइड से बाहर भी आएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हीटर कॉइल जाम है। लेकिन बट होता क्या है ऐसा, ये फिंस जो ये लाइनिंग जो दिख रही है ना, ये लाइनिंग जाम हो जाता है, चोक हो जाता है, यानी मट्टी वगैरह जाके भर जाता है। मट्टी भरता कब है, यानी आयरन वगैरह जब आप कोई भी पानी, जब कूलेंट वगैरह का कम हो जाता है तो आप कोई भी पानी डाल देते हैं, आयरन वगैरह वाला पानी डाल देते हैं, तो वही आयरन वाला पानी जब इसमें सर्कुलेशन होता है ना तो ये सब में जाम होने लगता है अंदर। इसका होल बहुत बारीक बारीक रहता है, तो अंदर जब जाम हो जाता है ना तो उधर से कूलेंट का सर्कुलेशन ना हो करके यहाँ तक आता है कूलेंट, आकर के ऐसे करके वापस चले जाता है। यही रीज़न है जो कि हीटिंग का टेम्परेचर ना आने का। तो बाकी जैसा कि देख पा रहे हैं 60 तक आ चुका है हीटिंग टेम्परेचर, 61 तक आ चुका, और भी बढ़ रहा है, बढ़ेगा और भी। तो यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर हो चुका। तो हेलो दोस्तों, मैं ये सब चीज़ें ना आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। जब आप कुछ चीज़ें समझ में आ जाए ना तो आपको कोई भी काम करवाने में आसानी होगी, दिक्कत कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। या फिर कुछ जैसा कि अभी हीटर नहीं चल रहा था, हीटर कोइल जाम होने की वजह से हीटर नहीं चल रहा है, तो आपके दिमाग में अगर हीटर आपका नहीं चलता होगा ना तो आपके दिमाग में बहुत कुछ सवाल आता होगा, कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा, बहुत कुछ दिमाग में आ सकता है। तो इस वजह से मैं ऐसा वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और मेरे चैनल में आप अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आगे अच्छी तरीके से नया वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो हेलो दोस्तों, चलो फिर जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।